फ्रेंड्स, मैं हरपिंदर कौर, तुसी देख रहे हो इंग्लिश विद रूप। आज मैं थोड़ा नैक्सट क्यू कार्ड करवाउन जा रही हूँ, जिसकी स्टेटमेंट है टॉक अबाउट आ टॉय यू लाइक्ड इन योर चाइल्डहुड। कोई इदा का खिडौना दसना जो कि तुसी अपने चाइल्डहुड के बहुत पसंद करते सिगे, एंड वट वॉज द टॉय, केड़ा टॉय सिगा, हू गेव इट टू यू, किसने दिता सी, हाउ ऑफन डिड यू प्ले इट विद, तो तुसी उहदे नाल किन्ना क खेडदे सी ऑफनली, कहिंदे हाउ ऑफन डिड यू प्ले इट विद। सो स्टार्ट करते हैं, कहते टॉयज आर एक्सट्रीमली प्रीशियस फॉर चिल्ड्रन एंड दे आर पोजेसिव अबाउट देयर फेवरेट। सो कहते फेवरेट वंस के लिए वो कि होंगे ने, पोजेसिव भी होंगे ने, तो उन्होंने लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस होंगे ने, कीमती होंगे ने, कहते जो टॉयज होंगे ने, ठीक है, बहुत अहमियत रखते हैं। एज अ चाइल्ड आई वॉज लकी इनफ टू हैव क्वाइट अ फ्यू ऑफ दैम, बट देयर वॉज वन विच आई एबसोल्यूटली अडोर्ड। मेरे को कहते काफ़ी सारे टॉयज थे जो मेरे बचपन के टाइम, तो उन्होंने एक मैं सब तो ज़्यादा वधिया लगता सी, इट वॉज टैडी बियर, कहते वह किसी टैडी बियर से, एंड माई मदर गिफ्टिड ऑन माई 6th बर्थडे, तो मेरे मदर ने कहते मैंने गिफ्ट किया। वैन आई गॉट दिस टॉय आई जम्पड फॉर जॉय एंड पेड नो अटेंशन टू माई अदर प्रेजेंट, कहते जो मैंने ये गिफ्ट मिला तो मैं बहुत खुश हुई, तो मैं उसी गिफ्ट को चंगी तरह मतलब कि ध्यान वो किया, बाकी गिफ्ट वाल मैं बिल्कुल ही अटेंशन नहीं दी। I remember that, कहते मैंने याद आ, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद माई टैडी बियर, मैं अपना बहुत ज़्यादा टाइम अपने टैडी बियर नाल स्पेंड करती सी, एंड टू बी ऑनेस्ट एट दैट टाइम नोबडी इन माई एरिया वॉज हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ टॉय, तो कहते मेरे एरिया के इदा का टैडी बियर किसी को नहीं सी, इट वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टफ्ड बियर्स, कहते क्योंकि बहुत डिफरेंट सी, इट वॉज सो मच मोर फ्लफी एंड इट वॉज अ ह्यूज, कहते बहुत ज़्यादा फ्लफी सी तो काफ़ी व्डा सी। ऑल्सो द कलर, वैल आई वॉज इन लव with that wear, ते कहंदे मैनू इहदा कलर बहुत पसंद सी, ही वॉज जस्ट लाइक अ फ्रेंड आई वुड टॉक टू एंड हैव फन विद, कहंदे मैं इहदे नाल लाइक टॉक करदी सी, गल्लां करदी सी, फन भी करदी सी, देयर हैव बीन एंडलैस स्टोरीज दैट आई हैव शेयर विद हिम, कहंदे मेरियां काफ़ी सारियां स्टोरीज मैं उहदे नाल शेयर करदी सी, एंड दैन ही हैज़ बीन देयर वैन आई यूज टू क्राई। सो कहते लाइक जो भी मैं उन्हें गल्लां बातें शेयर करती सी, जां कदे मैं रोंदी भी सी, तो हमेशा मेरे नाल हुंदा सी। देयर वर सो मैनी डेज आई हैड अ फाइट विद माई मदर एंड और माई ब्रदर, एंड वैन नथिंग वर्कड आउट आई यूज टू सिंपली गो आउट एंड वेंट माई एंगर इन टू द वियर। सो कहते मेरी लड़ाई हो गई सी मेरे मदर नाल भी, मेरे ब्रदर नाल भी, जो कहते मेरे तो कुछ भी ना होया तो मैं सारा गुस्सा अपने बियर ते जाके कढ़िया। अपार्ट फ्रॉम दैट मी एंड माई फ्रेंड्स यूज टू ब्रिंग देयर टैडी बियर्स अलोंग विद दैम, एंड वी यूज टू हैव फन लाफिंग एंड फाइटिंग विद और ड्रेसिंग अप अवर बियर्स, कहते मेरे फ्रेंड्स भी अपने टैडी लियाते सी, तो असी उन्होंने लाइक ड्रेसिंग वगैरह वो करते एक दूजे के फाइट कराते। सो आई थिंक द वन रीजन आई वॉज इन लव विद द टैडी बियर वॉज बिकॉज देयर वॉज वर नो फियर्स विद इट, कहते एक भी गल सी कि मैं बहुत प्यारा लगता सी क्योंकि मैंने उस तो कोई खतरा नहीं सी, कोई डर नहीं सी, नो चांस ऑफ एनी स्कोल्डिंग, कोई इदा नहीं सी कोई स्कोल्डिंग मतलब कि होंगे डांटना, सो इट कुड कीप ऑल माई सीक्रेट्स एंड आई कुड जस्ट कैरी ऑन विद life, enjoying every bit of it. So कहते मैं हरेक लाइफ की गल शेयर कर सकती सी, कोई भी सीक्रेट, तो इस करके कहते मैं इंजॉय करती सी हरेक टाइम। इन कंकलूजन आई वुड लाइक टू से दैट द टॉय वॉज फर्स्ट ऑफ माई फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, बीइंग एन इंट्रोवर्ट, कहते जिमें कि मैं इंट्रोवर्ट सी चाइल्डहुड दे विच, आई शेयर्ड माई थॉट्स विद माई सॉफ्ट टॉयज एंड एनिमल एज इट वॉज गिफ्टिड बाई माई मदर, इट हैल्ड अ स्पेशल प्लेस इन माई लाइफ, तो इन्हों की कहते एक स्पेशल जगह मेरी लाइफ के, दो आई हैव डोनेटड मोस्ट ऑफ माई चाइल्डहुड पोजिशंस, कहते मैं मोस्टली अपने चाइल्डहुड पोजिशंस डोनेट करते सी, बट आई हैव कैप्ट दिस वन एज इट मेक्स मी फील नॉस्टैलजिक एवरी टाइम आई लुक एट इट। सो कहते इनू मैं लाइक रख्या होया, सो क्योंकि मैं इनू देख के अपनिया सारिया बचपन दादा जी मेरिया तरोताज़ा हो जाए। सो ये फॉलोअप्स क्वेश्चन है, कहते वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़ टॉयज़, की डिफरेंस होंगे कहते गर्ल्स के बॉयज़ के टॉयज़ के,
We found that girls' toys were associated with physical attractiveness, nurturing and domestic skill, whereas boys' toys were rated as violent, competitive, exciting and somewhat dangerous. Boys had more spatial temporal toys, shape sorting toys, clocks, जिमें कह सकते हैं मैगनेट्स, आउटर स्पेस टॉयज. दे ऑल्सो हैड मोर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, एग्जाम्पल बॉल, स्केट्स, काइट्स फॉर लाइक तुम कह सकते हैं भी बॉयज इदा का वो करते हैं टॉय एनिमल्स, गैराज और डिपोर्ट्स, मशीन्स, मिलिट्री टॉयज एंड एजुकेशनल एंड आर्ट मटीरियल. बट गर्ल्स की कहते हैं कहते गर्ल्स रूम्स कंटेन मोर डॉल्स, डॉल हाउसेज एंड डोमेस्टिक आइटम लाइक सिंक्स, डिशेज, स्टोव्स. बॉयज़ ऑलमोस्ट नैवर हैड डोमैसटिक टॉयज. तो बॉयज़ कहते बॉयज़ को बिल्कुल भी कहते लाइक कीप नहीं करते डोमैसटिक टॉयज़ में. सो ये डिफरेंस है. सो सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक टॉयज़ रियली हैल्प इन चिल्ड्रन डेवलपमेंट. थानू की लगता कहते टॉयज़ हैल्प करते हैं बच्चे की डेवलपमेंट के. सो एजुकेशनल टॉयज़ कैन हैल्प डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. कहते डेफिनेटली जो एजुकेशनल टॉयज़ होंगे हैल्प करते हैं. टीच अबाउट कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड हाउ कॉज एंड इफेक्ट वर्क. इट ऑल्सो टीच children about sharing helps develop their fine and gross motor skills and nurtures their creativity and imagination. So definitely kehnde bahut zyada encourage karde ne, bahut zyada helpful hunde ne. So third question hai, does modern technology have an influence on children's toys. Kehnde modern technology हैव एन कहते कोई इन्फ्लुएंस पै रहा है चिल्ड्रन के टॉयज से. डेफिनेटली पै रहा है. यस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ अ बिग इन्फ्लुएंस ऑन टॉयज. बोथ द टाइप ऑफ टॉयज अवेलेबल एंड द चिल्ड्रन प्रेफरेंसिस फॉर टॉयज हैव चेंज ओवर टाइम. सो ये कहते बच्चों की जी प्रेफरेंस वह भी चेंज होंगी जा रही है. टूडे रोबोट्स, एप कंट्रोल कार्स आर मोर पॉपुलर. बोर्ड गेम्स आर बिकमिंग लैस एंड लैस पॉपुलर. तो बोर्ड गेम की होंगे जा रही ने लैस पॉपुलर होंगे जा रही ने. सो यह सारा टेक्नोलॉजी की ही इन्फ्लुएंस है. फोर्थ क्वेश्चन है, विच डू यू थिंक इज बैटर फॉर चिल्ड्रन टू प्ले विद टॉय अलोन और विद अदर किड्स. कहते की ज़्यादा बैटर है बच्चे का टॉय नाल कल्ले खेडना या होर बच्चे नाल खेडना. इट इज़ डेफिनेटली बैटर फॉर चिल्ड्रन टू प्ले विद अदर किड्स. क्योंकि कहते जो दूजे नाल खेडूगा वो ज़्यादा वधिया होगा. क्यों कहते दे लर्न केयरिंग एंड शेयरिंग एंड मैनी अदर सोशल स्किल्स वैन दे प्ले विद अदरस. तो वो कहते वो काफ़ी सारिया स्किल्स सीखेंगे जो वह दूजे नाल खेडेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ आर टॉयज टूडे डिफरेंट टू टॉयज ऑफ द पास्ट. कहते जो अजकल के टॉयज ने वो किदा लाइक पास्ट के टॉयज नाल डिफरेंट ने. देर आर मैनी डिफरेंसिज बिटवीन टॉयज फ्रॉम द पास्ट एंड द प्रेजेंट. कहते काफ़ी सारे डिफरेंस ने. मॉडर्न टॉयज आर यूजली मेड फ्रॉम प्लास्टिक, नायलॉन और फोम एंड आर मोस्टली प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज. सो कहते काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस ने जिमें नायलॉन के ने, प्लास्टिक के ने, लाइक अलग अलग वे कहते प्रोड्यूस किए जाते हैं. टॉयज फ्रॉम द पास्ट वर ऑफन अनसेफ एज सम वर मेड विद शार्प एजिस एंड फ्रॉम अनसेफ मटीरियल. पर पास्ट के जो टॉयज से बिल्कुल अलग होंगे से. तुम ये कह सकते हो मोस्टली वुड के टॉयज होंगे से. ठीक है फ्रेंड्स, ये से कुछ फॉलोअप्स क्वेश्चन. मैंने आस है कि तुम्हें मेरी अज की क्लास बहुत वधिया लगी होगी. जो तुम्हें मेरी अज की क्लास वधिया लगी तो लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो, तो मेरे चैनल में सबसक्राइब करो, तो बैल आइकन पर क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुम्हें मिल सके. ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नवी वीडियो देना. बाय बाय, टेक केयर.